इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। मैं हूं श्रीकांत पांडे। इस वक्त नगर पंचायत भारत भारी के कार्यालय पे मैं हूं। नगर पंचायत का चुनाव भी नजदीक आ रहा है। प्रत्याशी भी वोटरों को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते और मुख्य मार्ग भारत भारी दोनों, यानी कोरई भारी से हो या भारत भारी मोतीगंज मार्ग हो, दोनों की स्थिति बहुत दयनीय है। इसी पे आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं जनता से क्या कहना है उनका। ओके, क्या नाम है आपका? अनिल पांडे। कहाँ से? सुतवा। अच्छा, ये भारत भारी मुख्य मार्ग को आप देख रहे हैं? जी जी। क्या स्थिति? बहुत बुरी स्थिति है। क्या करते हैं आप? हम घर पे रहते हैं, ऑटो चलाते हैं, ये सब करते हैं। अच्छा, ऑटो चालक हैं आप? जी। तब तो आते जाते होंगे। बिल्कुल, बेहमा जाते होंगे अक्सर। जाते हैं। अच्छा, तो क्या स्थिति है? स्थिति बहुत ही खराब है। खराब नहीं, बहुत ही खराब है। हाँ, अगर थोड़ा भी चूक जाओ, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे थ्री व्हीलर हो, तो पलटने में देर नहीं है। अच्छा, कमर बराबर इस समय पानी है। आप? मेरा नाम है विनोद पाठक जी, स्वस्थ इंडिया कॉलेज का मैं व्यवस्थापक हूँ जी। चौराहे पर मोतीगंज भारत भारी जी, मोतीगंज भारत भारी जी। अच्छा, तो ये मुख्य मार्ग की क्या स्थिति है? मुख्य मार्ग की स्थिति बहुत दयनीय है। बरसात के दिनों में, आज के दिनों में चलना दुर्लभ हो गया है। आए दिन यात्री बच्चे प्रयाग गया करते हैं, किसी का हाथ टूटना, किसी की उंगली टूटती है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम भैया रियाज है। कहाँ से हो? भारत भारी से हैं, गलती से। अच्छा, गलती कहाँ के? गलती इसलिए है कि हमारे गांव में सब लोग वो लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन गांव में चारों तरफ से जाने के लिए रास्ता नहीं है जी। पश्चिम से आ जाओ तो गाड़ भर पानी है, पूरब से आ जाओ तो गाड़ भर पानी है, उत्तर से चले जाओ तो गाड़ भर पानी है। और शायद जगदम्बिका पाल जी ने गोद भी लिया। बड़ा भारी गेट और बोर्ड लगा है। गेट हमारे सिर्फ लगवाई पे की है भैया। अच्छा, हाँ। तो बच्चे बच्चे आपके पढ़ने कैसे आते? पढ़ने आते हैं कहाँ पे, आजकल छुट्टी है, बारिश हो गई, कैसे आएंगे भाई? बीमार हो जाएंगे, दवा का पैसा कहाँ से लाऊंगा? पानी बह रहा है? हाँ, पानी तो। कितना पानी है? पानी तो नाव लगाने भर का है। अच्छा, नहीं विश्वास, चलो दिखा दे। हम एम्बुलेंस लाते हैं, पोस्टर बनवाते हैं, आप लोग क्यों नहीं उनसे? कहाँ से? अच्छा, अकबर बादशाह ये बताएं कि ये भारत भारी मुख्य मार्ग के बारे में क्या कहेंगे? भारत भारी का इतना बड़ा नाम है, मगर घर से अगर निकल 8 मरतबा मोटरसाइकिल लेके आ जाओ तो मालूम पड़ा इसका बैरिंग टूट जाएगा। तो इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? किसको मानेंगे? सरकार तो मानेंगे, किसका मानेंगे? सरकार को मानते हैं। हाँ, जो यहाँ के प्रत्याशी है उनको मानेंगे, कोई भी रहेंगे। नगर पंचायत का चुनाव भी नजदीक आ रहा है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? सरकार कहना चाहेंगे, चाहेंगे चुनाव लड़ा था अपन, देखे भाला करें, रोड पहले नंबर रोड की व्यवस्था करें, आवे जाए। इतना बड़ा तीर्थ स्थान है, भगवान का मंदिर है, चारों तरफ लाइट है, करोड़ों रुपया का खर्चा हुआ है, यहाँ पर रोड ही नहीं है। भारत भारी का इतना बड़ा नाम है, रोड ही नहीं है भारत भारी में निकलने के लिए, और क्या कहेंगे? चलो, धन्यवाद सर। स्वागत है हमारे इंडियन टीवी न्यूज में आपका। भावी प्रत्याशी हैं नगर पंचायत के, क्या कहना चाहेंगे मुख्य मार्ग भारत भारी के बारे में? बहुत स्थिति खराब है। मेरा नाम मुमताज खान और हम यहाँ के एक प्रत्याशी हैं आने वाले चुनाव के लिए। भारत भारी का जो मुख्य मार्ग है, जो तीर्थ स्थल के लिए जाता है, इतना खराब हो चुका है कि ना कोई, अगर कोई बच्चा जाए तो उसमें बह जाए, इतना पानी बह रहा है, ना कोई गाड़ी जा सकती है, ना कोई पैदल जा सकता है। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसको सही से काम कराएं और तीर्थ स्थल पर जाने के लिए लोगों के लिए सुविधा अच्छा हो जी। धन्यवाद। आज आपने देखा कि भारत भारी नगर पंचायत की मुख्य मार्ग की स्थिति से आपको अवगत कराया। आप देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज को, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।